नमस्ते फ्रेंड, द यूनिक होम नर्सरी में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, आज हम आपको दिखाएंगे, हमने अपने बालकनी में लौकी लगाई हुई है। तो देखिए लौकी कितने से अच्छे से लग रही है। देखिए लौकी आप देख सकते हैं, हमारी बालकनी में लगी हुई है लौकी। लौकी बालकनी में लगी हुई है, देखिए ये हमने ऊपर बालकनी में ही लगा ली है लौकी। और लौकी फ्रेंड काफ़ी लग रही हैं, बहुत सारी आप देख सकते हैं, छोटी छोटी लौकियाँ देखिए कितनी लगी हुई हैं। तो फ्रेंड आज हम बनाएंगे लौकी का जूस, तो इसलिए हम लौकी को तोड़ने आए हैं। देखिए फ्रेंड हमने कितने खिड़की पे भी लगा रखी है लौकी, आप देख सकते हैं। देखिए खिड़की पे भी हमने लगा रखी है। फ्रेंड हमने इसमें कुछ नहीं डाला, केवल मिट्टी में थोड़ा सा सड़ा हुआ गोबर डाल दिया है बस, कोई खाद भी नहीं लगाई हमने। देखिए कितनी सारी लौकी लगी हुई है। देखिए ऊपर ढेर सारी लौकी लगी हुई है। ये देखिए खिड़की पे अच्छे से पहुंच गई है और यहाँ इस पे लगी भी है, देख सकते हैं आप। बिना खाद के ना कोई मिलावट, इस लौकी के लिए हमने कोई भी खाद नहीं डाली है। खूब बड़ी बड़ी लौकी निकल रही है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर भी हमने काफी फुलवाड़ी लगा रखी, पेड़ पौधे लगा रखे हैं। जब भी सब्जी खानी हो तभी ताजी ताजी लौकी तोड़ लेते हैं। देखिए कितनी लगी लौकी, आप देख सकते हैं, दिख रही है, ये देखिए। तो चलिए अब हम लौकी को काटते हैं। ये देखिए हमने मेथी भी लगा रखी है गमले में, तो चलिए हम लौकी काटते हैं। तो देखिए फ्रेंड लौकी छोटी 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 बहुत सारी लग रखी है। तो देखिए फ्रेंड जूस के लिए लौकी काटते हैं। तो देखिए फ्रेंड कितनी लंबी लौकी लगी हुई है, इसे हम काटेंगे और ताज़ा ताज़ा जूस बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड देख सकते हैं कितनी लंबी लौकी लगी हुई है। तो देखिए फ्रेंड देखिए कितनी लंबी लौकी है मेरे हाथ में। देखिए अब हम इसका ताज़ा ताज़ा जूस बनाएंगे। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।